तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों हमारा नेट चालू होने के बाद भी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल डाटा ऑन है, फिर भी दोस्तों हमारा इंटरनेट नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि अगर आपका डाटा ऑन है फिर भी अगर नेट नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है और क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए जिससे कि दोस्तों आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने यूट्यूब को यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ओपन करेंगे। मान लीजिए कोई भी वीडियो हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वीडियो को चला रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो नहीं चल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बबरिंग, नीचे भी दोस्तों कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रोसेस लेके ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम कुछ भी चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होम पेज में आ जाते हैं। होम पेज पर अगर दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रोल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो भी दोस्तों हमारे देखो केवल बबरिंग कर रहा है, यानी कि नोट जो है इंटरनेट नहीं चला। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी सर्च में हमारा कुछ भी नीचे देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इस तरीके का आपने प्रॉब्लम हो गई है और दोस्तों आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले दोस्तों आपको यहीं से अपने जो है एयरप्लेन मोड को इस तरीके से ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से उसको ऑफ कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, मोबाइल की सेटिंग जैसे ही ओपन हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो भी इंटरनेट स्टार्ट होता है तो दोस्तों आपका दोबारा से इंटरनेट एक न्यू तरीके से स्टार्ट होता है और यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी SMS आना बाकी रहता है वो SMS आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आना, ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन में आना। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब नहीं चल रहा है तो आप अपने यूट्यूब को यहाँ पर सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने YouTube को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो YouTube हमारा ओपन करेंगे, उसके बाद फोर्स स्टॉप का ऑप्शन करेंगे और स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन आएगा, क्लियर कैच करेंगे। ठीक है, क्लियर कैच कर लेंगे। क्लियर कैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा यूजेज स्टेटस का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे नेटवर्क परमिशन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्लोज तो नहीं है, वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन को इस तरीके से चेक कर लेना जो भी हमारा एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पे अपने मोबाइल जो है ऊपर में सबसे डुअल सिम या फिर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखो आपका सिम ऊपर में आपका यहाँ पर मोबाइल डाटा है, यहाँ पर इस तरीके से ऑन कर लेना। ठीक है, एक बार दोबारा से यहाँ पर ऑफ करके यहाँ पर एक बार दोबारा से ऑन कर लेना। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों सिम पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोबारा सबको यहाँ से इनेबल करना है एक बार, उसके बाद डिसेबलिंग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट दोबारा से ऑन करना है। जैसे इन ऑन करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका क्या है, जितना भी सिम का जो भी कोई अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ से पॉपअप निकल के आएगा और दोस्तों दोबारा से आपका एक नेटवर्क न्यू नेटवर्क के साथ आएगा जिससे दोस्तों आपका यहाँ पे इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों प्रेफर नेटवर्क टाइप का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पे 4G 3G 2G जो भी है सबसे ऊपर वाले पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको एक काम और करना है, अपने मोबाइल को इस तरीके से जो है आपको पावर बटन को ऑफ करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको अपने पावर बटन को प्रेस करना है और रिस्टार्ट करके एक बार दोबारा से अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिस्टार्ट होने के बाद आपका 100% जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, जो डाटा ऑन हो जाता है फिर भी आपका नेट नहीं चलता है, तो दोस्तों उस तरीके का प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।